सूडान में सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच शुरू हुआ खूनी संघर्ष अभी तक शांत नहीं हुआ है। सूडान में जहां देखो वहां बमबारी, हवाई हमलों की आवाज गूंज रही है। इन सब के बीच सूडान की जनता अपने अपने घरों में दुबक कर बैठी है। ना तो उनके पास खाना है और ना ही पीने के लिए पानी। अगर वो घर के बाहर निकलते हैं तो अगले ही सेकंड में उनके ऊपर कहां से बम का गोला या रॉकेट आ गिरे किसी को नहीं पता। इस जंग में अभी तक 270 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 1800 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि आखिर सेना और पैरामिलिट्री फोर्स ने अपने ही मुल्क को क्यों जंग की भट्टी में झोंक दिया, और ऐसा क्या हो गया कि एक ही देश के दो सैन्य बल एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं। तो आपको बता दें कि सूडान में असल लड़ाई दो बड़े सेना के जनरलों के बीच चल रही है। इसमें पहला नाम सशस्त्र बलों के कमांडर अब्देल फतेह अल बुरहान का है और दूसरा रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी RSF के प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान दागले का है। ये दोनों ही जनरल सूडान की सत्ता पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हालांकि एक वक्त था जब ये दोनों जनरल सहयोगी हुआ करते थे। इन दोनों ने ही मिलकर अक्टूबर 2021 में सूडान की सरकार को गद्दी से हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था और अब ये दोनों ही जनरल सूडान पर कब्जे के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि सूडान में तख्ता पलट के बाद एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके बाद से ही सरकार और सेना के बीच लगातार टकराव चल रहा था। इसमें ये मांग भी उठ रही थी कि सूडान की सत्ता नागरिक सरकार के हवाले की जाए। इसके अलावा सेना और RSF का विलय भी इस लड़ाई का एक बड़ा मुद्दा बन गया। RSF का कहना है कि जब तक वो सेना के सभी ठिकानों पर कब्जा नहीं कर लेते तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। वही सेना का कहना है कि वो तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि अर्धसैनिक बल भंग नहीं हो जाता, और यही मामला जंग की असल वजह बना हुआ है। RSF और सेना एक दूसरे को निस्तेनाबूद करने में जुटे हुए हैं। वहीं इस खूनी संघर्ष की एक और बड़ी वजह है, वो ये कि जब दोनों जनरलों ने मिलकर साल 2021 में तख्ता पलट किया था तो उस वक्त दोनों के बीच एक समझौता हुआ था। उसमें कहा गया था कि अर्धसैनिक बल को सेना में शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि दोनों जनरलों के बीच इस मुद्दे पर मतभेद हो गए जिसने एक जंग का रूप ले लिया, और देखते ही देखते अब दोनों जनरल जंग के मैदान में आमने सामने हैं, और इस जंग में अब आम लोगों पर भी रहम नहीं किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैन्य बलों के ये दोनों गुट लगातार घनी आबादी वाले इलाकों पर दनादन तोपों और अन्य भारी हथियारों से हमले कर रहे हैं। यहां तक कि आसमान से जहां देखो वहां लड़ाकू जेट, बम और मिसाइलें बरसा रहे हैं।